यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए करनाल की आंतरिक सड़कों को सुदृढ़ बनाने का काम जोरों से चल रहा है। नगर निगम की ओर से मॉडल टाउन सेक्टर 13-14 डिवाइडिंग रोड, सुभाष कॉलोनी व सेक्टर 13 की विभिन्न सड़कों को सुदृढ़ बनाया गया है। अब वार्ड नंबर 18 स्थित न्यू प्रेम कॉलोनी के मुख्य मार्ग को पेवर फिनिशर मशीन की मदद से सुदृढ़ बनाने का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मेयर रेणुबाला गुप्ता की उपस्थिति में वार्ड पार्षद हरीश कुमार ने नारियल फोड़कर न्यू प्रेम कॉलोनी की सड़क के कार्य का शुभारंभ किया। मेयर रेणुबाला गुप्ता ने कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि कैथल रोड रेलवे ओवरब्रिज से गुरुद्वारा नानक सर तक की सड़क का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और इस कार्य को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 18-19 की मुख्य सड़कों को सुदृढ़ बनाने के लिए संयुक्त टेंडर लगाया गया था, जिसकी अनुमानित लागत 44 लाख रुपए थी। इस कार्य में प्रेमनगर और रामनगर क्षेत्र की सड़कों को लिया गया था, जिन्हें लॉकडाउन से पहले लगभग पूरा कर लिया गया, परंतु वार्ड नंबर 18 स्थित न्यू प्रेम कॉलोनी की एक सड़क का कार्य लॉकडाउन लगने के कारण नहीं हो सका, जिसे आज शुरू किया गया है। वहीं कार्यकारी अभियंता सतीश शर्मा ने बताया कि नगर निगम की ओर से शहर की मुख्य सड़कों को सुदृढ़ बनाने का काम किया जा रहा है। इसी के चलते शुक्रवार को वार्ड नंबर 18 की न्यू प्रेम कॉलोनी की सड़क को सुदृढ़ बनाने का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि सड़क की लंबाई करीब 1200 फुट है और इस पर 30 mm बिटुमिन्स कंक्रीट का कार्य किया जाएगा। यह सड़क को मजबूती प्रदान करेगा और यातायात को सुगम बनाएगा। महापौर ने मौके पर मौजूद निगम इंजीनियरों को निर्देश दिए कि कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि यहां के नागरिकों को इसका लाभ मिल सके और उनका यातायात सुगम हो। इस अवसर पर वार्ड पार्षद हरीश कुमार ने महापौर का स्वागत किया एवं धन्यवाद किया। इस मौके पर नगर निगम के सहायक अभियंता सतीश कुमार मित्तल, कनिष्ठ अभियंता सुखा सिंह, अशोक अनमोल, बंटी धीरज समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। हमारे वाली मेन रोड है और इस पे काफी खड्डे थे। ये यहाँ से मेन रोड गुरुद्वारे को जाती है और कम्युनिटी सेंटर को भी जाती है। हमारे बिट्टू भाई साहब ने वैसे एक रामनगर में काम चला था, तो उसमें से ये सड़क एक बनवा रहे हैं हम, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा रहे। बहुत सारे ऐसे काम लॉकडाउन की परिस्थिति में शहर में सड़कों के मौसम के अनुरूप हो रहे हैं। लोग भी बहुत तरह से सहयोग कर रहे हैं। मैं सबको बधाई देती हूँ और सबका आभार व्यक्त करती हूँ। फिर से यही सबसे निवेदन करती हूँ, हमेशा से यही एक सोच है कि काम हम करेंगे, व्यवस्था करेंगे, पर इस वैश्विक महामारी से भी मुक्ति पाएंगे। उसको उससे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे कामों को लेकर है, चाहे उसमें डिस्टेंस को लेकर है, चाहे उसमें मास्क को लेकर है, चाहे सैनिटाइजेशन को लेकर है, हर तरह की सावधानी बरतते हुए हम हर काम को करेंगे और अपने शहर को आगे बढ़ाएंगे। मैडम, ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जाएगी और इस पर कुल कितना खर्च लागत या आने वाली है? ये इस प्रॉपर इस सड़क की तो 4 लाख की लागत है। ये वैसे 44 लाख का टेंडर है और इसमें ये सड़क नन्नू कंप्यूटर से आगे यहाँ पूरी मेन रोड बनेगी जी। और हमारे बिट्टू भाई साहब ने काफ़ी बार इसकी डिमांड रखी थी, वो सड़क बनाएगी। धन्यवाद। ये अपना प्रेम नगर वार्ड नंबर 18 कम्युनिटी सेंटर की बैक से कैथल रोड तक जाएगी। काफ़ी पुरानी डिमांड थी लोगों की, इसीलिए इसको बनवाया जी। कितना लागत आने वाली है इस पर सर? इसमें लगभग दो कट्ठा ज्वाइंट था, 18 और 19 वार्ड का टेंडर था, 44 लाख रुपये का। जहाँ जहाँ काम होने वाला सारी जगह किया जाएगा। सर, लेयर चढ़ेगी इस पर, कितनी मोटी लेयर चढ़ेगी? लेयर अच्छी चढ़ेगी इस पर जी। होगी इसकी अभी लगभग 3 साल के आसपास। 3 साल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.